तो गैस आज मैं आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा एंड गैस ये बिल्कुल न्यू ट्रिक होने वाला है। अगर आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले वो क्या करना है, आपकी जो फोटो की यहाँ पर गैलरी से सेलेक्ट करके पिक्सल आर्ट पर इनपुट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ और पिक्सल आर्ट आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस पिक्सल आर्ट पर हमारी फोटो यहाँ पर इनपुट हो चुकी है, फोटो को देख सकते हो। लेकिन गाइस आपको ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, नहीं तो इस टाइप की ही फोटो एडिटिंग नहीं बना पाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, पहले आपको एडिटिंग को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो आपको दिखाता हूँ ये रहा इफेक्ट टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। इफेक्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको सिंपल वाला इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये रहा सिंपल वाला इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको इसी इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर भी गाइस आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन गाइस आपको स्वाइप करके एक इफेक्ट को ढूंढना है, तो इफेक्ट मिलेगा आपको लास्ट में मिलेगा आपको सैचुरेशन इफेक्ट, तो सैचुरेशन इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ ये रहा सैचुरेशन इफेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये सैचुरेशन इफेक्ट पर क्लिक करके फिर से आपको सैचुरेशन इफेक्ट पर क्लिक करना है और सेटिंग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अमाउंट को कम करके 30 के आसपास रखना है और गाइस आपको मर्ज कर लेना है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ ये रहा मर्ज का ऑप्शन, सिंपल आपको मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करके आपको कलर टूल पर क्लिक करना है, टूल तो नहीं कलर्स इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये रहा कलर्स इफेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये कलर्स इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको ब्राइटनेस इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ ये रहा ब्राइटनेस इफेक्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ब्राइटनेस इफेक्ट पर क्लिक करके फिर से आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग को कम करके यहाँ पर रखना है 138 के आसपास रखना है। 138 के आसपास रख करके यहाँ पर गाइस आपको डन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। और गाइस अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिटच टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा रिटच टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये रिटच टूल पर क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर स्किन टोन पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा स्किन टोन का ऑप्शन, सिंपल आपको ये स्किन टोन पर क्लिक करके यहाँ पर मल्टीपल कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ ये रहा मल्टीपल कलर का ऑप्शन, सिंपल आपको इसी कलर पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके डन कर लेना है। और मैनुअल पर क्लिक करके हार्डनेस को रखना है आपको 100 रखना है, ओपेसिटी को भी आपको 100 रखना है और साइज को आपको यहाँ पर रखना है 30 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जूम करके यहाँ पर आपको स्किन के ऊपर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गोरा हो रहा है, तो ऐसा ही आपको ड्रॉ करके गोरा बना देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से गोरा बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। अभी गाइस यहाँ पर जो अमाउंट को कम या ज़्यादा करके रख लेना है, कितना अमाउंट आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 85 के आसपास रखूँगा, 100 रखने पर भी चलेगा लेकिन यहाँ पर मैं 85 ही रखूँगा, ठीक है। तो 85 रख करके आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है। सो गाइस बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फेस गोरा हो चुकी है। लेकिन गाइस अभी आपको क्या करना है, इस टाइप से स्वाइप करके चला जाना आपको ऐड फोटो पर। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, सिंपल आपको ये ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको ये रेड बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो ये रेड बैकग्राउंड आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको इस टाइप से बड़ा कर लेना है और गाइस इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो इसी इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको इन्वर्ट कर लेना है और रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को 98 रखना है और साइज को रखना है आपको यहाँ पर 30। उसके बाद गाइस आपको जूम करके यहाँ पर सिर्फ आपको साइड के ऊपर ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से स्वाइप करके यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करना है। तो ये रहा ब्लेंड मोड का ऑप्शन, सिंपल आपको ब्लेंड मोड पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको स्वाइप करके मल्टीपल कर लेना है। तो मल्टीपल करते ही देख सकते हो बहुत ही ऑसम लग रहा है। अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और गाइस बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही ऑसम लग रहा है हमारी शार्ट। तो अभी गाइस आप फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो ये बैकग्राउंड भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। इसको आपको सिंपल आपको इस तरह से फोटो के हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है। तो इस तरह से बड़ा करके फिर से आपको इरेज टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इरेज टूल पर क्लिक करता हूँ, इन्वर्ट करके आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है। हार्डनेस को उतना ही रखना है आपको 98 के आसपास ही रखना है और साइज को रखना है आपको यहाँ पर 30 के आसपास, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मॉडल को छोड़ करके सिर्फ आपको बैकग्राउंड पर ही ड्रॉ करना है। तो इस टाइप से ही आपको ड्रॉ करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। सो गाइस अभी आपको फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको ये हेयर पिन को ऐड कर लेना है। ये हेयर पिन को अच्छी तरह से यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल आपको जूम करके हेड के ऊपर आपको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर स्वाइप करना है, स्वाइप करके चल जाना आपको एडजस्ट टूल पर। तो गाइस आपको दिखाता हूँ ये रहा एडजस्ट टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। तो एडजस्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर साइडों को प्लस कर लेना है। तो साइडों को प्लस करके आपको 30 के आसपास रखना है और गाइस आपको क्लाइड टूल पर क्लिक करके क्लाइड को भी प्लस कर लेना है। तो क्लाइड को आपको रखना है आपको यहाँ पर 34 के आसपास रखना है और गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है।
तो यहाँ पर मैं डन करके बैग चलता हूँ और फिर से आपको यहाँ पर डन करके बैग चलना है, तो यहाँ पर डन करके बैग चलता हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पर स्वाइप करके चले जाना आपको टूल्स पर। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, ये रहा टूल्स का ऑप्शन, सिंपल आपको ये टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक की यहाँ पर गाइस आपको एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा एडजस्ट टूल का ऑप्शन, सिंपल आपको ये एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। एडजस्ट टूल पर क्लिक करके सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर हाईलाइट पर क्लिक करना है। तो हाईलाइट को आपको इंक्रीज करके यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, आपको 11 के आसपास रखना है। और गाइस आपको यहाँ पर सैचुरेशन इफेक्ट पर क्लिक करना है, सैचुरेशन को इंक्रीज करके आपको यहाँ पर 30 के आसपास रखना है। और शैडो टूल पर क्लिक करके शैडो को भी आपको इंक्रीज करना है, सॉरी इंक्रीज नहीं आपको जीरो ही रखना है, तो जीरो रखता था। और गाइस आपको क्लाइड टूल पर क्लिक करके क्लाइड को आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो क्लाइड को इंक्रीज करके ज्यादा नहीं आपको यहाँ पर 25 रखना है, तो यहाँ पर मैं 25 के आसपास ही रखता हूँ। और गाइस आपको कॉन्ट्रास्ट टूल पर क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट को आपको माइनस कर लेना है, तो माइनस यहाँ पर मैं 15 रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको भी 15 रखना है। और गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है, तो यहाँ पर मैं डन करके बैक चलता हूँ। और गाइस यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।